इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के करीब फौजी अड्डे पर रॉकेट फायर किए गए जिससे मुतादिद फौजी जख्मी हुए हैं। फौजी अड्डे में अमरीकी फौजी मौजूद थे। उधर इराकी शहर मोसल में भी अमरीकी फौजी तनसीब पर धमाकों के इतरात हैं। अलकंडी में मौजूद अमरीकी बेस कुर्द इलाकों में अमरीकी फौजियों का अहम ठिकाना है। गुज़िश्ता रोज़ बगदाद में अमरीकी हमले में ईरानी कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर भी शहीद हुए थे, जिसके बाद इराक और ईरान की जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं, इराक में भी इस हमले के बाद अमरीका मुखालिफ जज्बात शदत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि कमांडर अबू महदी अलमहंदस इराक में इंतहाई मकबूल कमांडर थे। उन्होंने दाइश के खिलाफ जंग में बेपनाह कामयाबी हासिल की थी और मोसल को शिदत पसंद तंजीम से आज़ाद करवाया था। तो दोनों को जो है शहीद किया गया अमरीकी अटैक में, और इसके बाद सूरत हाल जो है मजीद बिगड़ चुकी है।